नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। तो राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। साइकिल पंचर मैं नहीं, अरुण राजभर कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अरुण जी के कहने से साइकिल पंचर हो जाएगी? वो भी तो नेता है ना। अपना सुनिए, अपना कमी छुपाने के लिए साइकिल के पंचर कर रहे हैं। अपना कमी छुपाने के लिए दूसरे के कंधे पर दोष मढ़ दिया जाता है। जो उनका बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता बैठक थी, उस कार्यक्रम में घुटना के बले टेक करके माफ़ी मांगे हैं क्या? सुहेलदेव जी का क्या? सुहेलदेव जी का इतिहास पढ़े हो? सुहेलदेव जी ने घुटना टेका था। ठीक है, कल तक आप कह रहे थे कि हमारे झंडे में सुहेलदेव जी का फिगर दिखाई देता है। कहाँ गया सुहेलदेव जी का तुम्हारे फिगर? लगता है कि तुम्हारा स्वाभिमान मर चुका है। लगता है कि तुम्हारा स्वाभिमान मर चुका है और तुमको ये पता है कि घुटना के बले हम हो जाएंगे तो घोसी की जनता या देवतुल्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमें माफ कर देंगे। तो अध्यक्ष साहब, ये बताइए कि अरविंद राजभर के झुकने से क्या महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान हो गया? अरे भाई, आप निकाल करके गूगल से वीडियो निकाल करके देखिए। नहीं, जब हमने पार्टी छोड़ा था तो उनका छोटा भाई कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी का जो साफा था, महाराजा सुहेलदेव जी के साफे में महाराजा सुहेलदेव जी का फिग्र था, लात से लतियाए थे। हमने तो कहा आपके वीडियो पर, हमने आपके चैनल पर हमने कहा था कि कहीं भी लात से लतियाया हुआ उनका झंडा आपको दिखाई दे रहा हो तो आप दिखा देना, वीडियो भेज करके दिखा देना। क्या उसी चीज़ पर आज आपसे मैं जो तर्क कर रहा हूँ, क्या महाराजा सुहेलदेव जी का अब नहीं फिगर है क्या उस झंडे में? हैं, जो तुम्हारा भाई घुटना के बले हो करके, यहाँ का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार घुटना के बले हो करके माफ़ी मांग रहा है? अरे गाली तुम्हारा बाप दिया है और तुम घूम करके जो माफ़ी मांग रहे हो कि देवतुल्य कार्यकर्ता जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी दो दो बार प्रदेश में सरकार बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी दो दो बार देश में सरकार बनाई हो, वैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को तुम्हारा बाप घूम करके माँ बहन की गाली दे, जूता से दौड़ाने की बात कहे? महेंद्र जी, आप जो बोल रहे हैं देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा, तो आपका भाजपा के प्रति इतना प्रेम क्यों है? इतना प्रेम क्यों आ रहा आपका? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का इंसान नहीं है, मानता हूँ, लेकिन किसी को गलती का सुधारने का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइए कि आपका इतना क्यों प्यार छलक रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति? मैं जनपद का निवासी हूँ और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंसान नहीं है का? नहीं, जो आप कह रहे हैं यही बात ओम प्रकाश राजभर की जेहन में है, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूता लेकर के दौड़ाने की बात उन्होंने कहा। जब जूता लेकर दौड़ाने की बात की तो आप भी साथ में थे। आप तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के समर्थक हैं। ठीक है, चलिए, चलिए आपके हिसाब से जो भी माना जाए, आपका विचार अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, मैं आपकी बातों को रोक नहीं सकता। हमारा कहने का मतलब है महेंद्र जी, जब जूते की बात थी तो आप साथ में थे उस टाइम। अरे भाई, आप हम जो कह रहा हूँ उसको तो मान ही नहीं रहे हैं आप। हम जो कह रहा हूँ उसको मान नहीं रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं का? नहीं, आप जो मान ले, आप ओम प्रकाश राजभर के समर्थक हैं का? आप जो आप पत्रकार हैं, आपकी मर्जी, मैं रोक नहीं सकता। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करिए, ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यदि इनको माफ़ी मांगना था तो जब गाली दिए तब इनका बेटा क्यों नहीं माफ़ी मांगा? आज चुनाव मैदान में आए हैं, इतना निचले स्तर पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रत्याशी उतर करके और वोट मांगने की अपील करता हो। मामूली ये निचला स्तर है। महाराजा सुहेलदेव जी, आप सीना पर ताल ठोकते हो, कहते हो कि हम सुहेलदेव जी के वंशज हैं। क्या सुहेलदेव जी ने इसी नाते तलवार उठाया था? इसी नाते लोग कहते हैं कि बड़ा पेड़ होता है तो झुक जाता है, तो शायद अरविंद राजभर झुक रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना? अरे महाराज, अरविंद राजभर आज चुनाव आया है तो घूम करके माफ़ी मांग रहे हैं, तो चुनाव में ही सब मांगता है ना? हम बतावे आपको, जो ही उम्मीदवार होता है वो सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता है कि भाई हमसे कोई भी गलती सही हुआ होगा उसको माफ़ कर देना, हम चुनाव मैदान में प्रत्याशी हूँ। बात समझ रहे हैं? इस नाते ये माफ का कोई विषय नहीं है। तो भाजपा के कार्यकर्ता माफ नहीं, माफ का हो सकता है लोग करते हो कि भाई माफ खत्म,
नहीं तय तो करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ही देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं, देवता रूपी जो कार्यकर्ता हैं, वही माफ करेंगे और नहीं माफ करेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, इंतजार करना है आपको, समय का इंतजार करना है। समय का इंतजार करिए, सही समय से सही निर्णय आपको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है राजभरा समाज आपके साथ देगा आपका, ये जो वीडियो नया नया वायरल हुआ है इसको देखते हुए आपका साथ देगा राजभर? आप लोग झूठे अपने चैनल पर हम लोगों को बुलाते हैं। अभी उपचुनाव हुआ है ना, उपचुनाव में 13-14 दिन बाप बेटा तीनों लोग मिल करके काम किए हैं जिताने के लिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए। और घोसी के उपचुनाव को घोसी की जनता, लोकसभा की जनता उसी रिजल्ट को यहाँ दोहराएगी, घबराना नहीं है। आप घोसी से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं महेंद्र जी, आप घोसी में ही अटके हैं? ना, हम घोसी में ही केवल नहीं हैं, हम लालगंज में जाते हैं, हम घोसी में जाते हैं, हम बलिया सलेमपुर में जाते हैं, हम बलिया में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली घोसी में ही मैं देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। राजभर जी का कहना है कि सुहेलदेव जी का अपमान किए हैं अरविंद राजभर जी, ये तो जनता तय करेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।